नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने है टेक्नो का फैंटम 9 और इसे मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। इसे अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके बॉक्स को देखकर ही आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, और वो ये कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे AI कैमरा है, इसके साथ ट्रिपल रियर कैमरा है, आपको फुल HD में बोके मोड मिलता है, इसके अलावा आपको सेल्फी कैमरा भी फुल HD मिलता है। बाय द वे, इसके अंदर जो कुछ भी है उसमें एक ऐसा फीचर है जिस फीचर को देखने के बाद आप कहेंगे कि इतने कम प्राइस में, इस बजट में ये फीचर और किसी फोन में आपको नहीं मिल सकता। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको अनबॉक्स करता हूं, इसे खोलता हूं और दिखाता हूं आपको वो कौन सा फीचर है जो आपको इस बजट में, बाय द वे इसका प्राइस में आपको बाद में बताऊंगा। तो ये मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूं, इसको खोल रहा हूं। ये गुड, तो ये है टेक्नो फैंटम 9 का बॉक्स, मैंने खोल लिया है दोस्तों, और इसके अंदर जो मुझे फीचर नजर आ रहा है वो है ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वो फीचर है जो इस बजट में जितना का ये फ़ोन है और आपको किसी दूसरे फ़ोन में नहीं मिलेगा। दूसरा, ये आपको इसमें ड्रॉप नॉच भी मिलता है। मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ और देख लेता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। बाय द वे, इसमें एक ये भी है। ओके गुड, तो और ये अनबॉक्स हो गया, ये ग्रेट, ये है फैंटम 9। अब मैंने इसे खोल के देख लिया और अब इसमें और क्या क्या मिल रहा है इस फ़ोन के अलावा मैं देख लेता हूँ, अभी चेक कर लेते हैं। ये जो हर फोन में होता है बाय द वे, इसका अडॉप्टर है और इसमें माइक्रो USB है और वाह बहुत बढ़िया। तो इसका लुक, बाय द वे ये जो ग्रेडियंट इसमें नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इस ग्रेडियंट में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, आपको ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें हल्की हल्की ये लाइंस नज़र आएंगी, और साथ में लेफ्ट साइड में आपको नज़र आएगा इसका ट्रिपल रियर कैमरा, जिसके नीचे एक फ्लैश लाइट है जो क्वाड फ्लैश लाइट है बाय द वे, ये मैं आपको बता दूँ। और उसके बाद इस ग्रेडियंट के साथ ये ऑल ओवर पूरा इसका जो बैक है, जो रेयर है, बहुत ज़बरदस्त देखने में लग रहा है ये। और इसके अलावा इसमें और ओ ग्रेट, ये आपको इसमें एक रबर का इसका बैक कवर मिल रहा है जो कि आपके फ़ोन को सुरक्षित रखेगा। आपको इसमें साथ में मिलती है 12+1 12+1 यानी 12 महीने प्लस 1 महीने की वारंटी मिलती है। और जैसे कि मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि आपको इसके साथ एक टाइम की, यानी आप एक बार 100 दिन में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप अपना स्क्रीन को रिप्लेस करवा सकते हैं। ओके, तो आपको इस वक्त इसमें नज़र आ रहा है कि ये इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने ऑन कर लिया है, तो मैं एक बार इसमें इसे ऑन करके देखता हूँ कि ये कितना टाइम लगाता है। ओह ग्रेट, आपने इसका एनिमेशन भी देखा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। प्राइस के अकॉर्डिंग जो है वो देखा जाए तो सबसे सस्ता इसका ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला ये फ़ोन है। और इसमें अगर हम मैं स्टोरेज की बात करूं तो इसके अंदर स्टोरेज 128 GB रोम है और 6 GB रैम इसके अंदर आपको मिलती है। बाय द वे, इसमें आपको फ्रंट साइड में ड्यूल फ्लैश मिल रही है, जो कि एक फ्लैश यहाँ आपको मिलती है और एक फ्लैश यहाँ मिलती है, और ये आपका जो 32 MP इसका फ्रंट कैमरा है। तो डिस्प्ले की सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो इसका डिस्प्ले है वो डॉट नॉच डिस्प्ले है, 6.4 इंच आपको डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस है, एमोलेड डिस्प्ले है ये, और कलर टेम्परेचर इसमें एडजस्टमेंट भी है और आई केयर मोड भी इसके अंदर आपको मिलता है। इसके डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात करूं तो इसका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 2340x1080 है, और इसमें 3D बैटरी कवर इसके साथ मिलता है। तो जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 32 MP है, ड्यूल फ्लैश के साथ आपको मिलता है, AI ब्यूटी मोड और वाइड सेल्फी मोड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर रियर कैमरा की बात करूं तो इसमें रियर साइड में आपको 16 MP, 2 MP और 8 MP की कैमरा मिलते हैं, सुपर क्वाड फ्लैश के साथ, F1.8 नाइट एल्गोरिदम 2.0 मिलता है, जिसकी वजह से आप लो लाइट में आप अच्छे फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, और 120° अल्ट्रा वाइड आप इसमें फ़ोटो यूज़ कर पाएंगे। बाय द वे, इसमें गूगल लेंस इसके साथ सपोर्ट करता है, AR मोड है, एनोमोजी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं।
ओके अब अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी की, तो ये 3500 mAh की इसमें बैटरी आपको मिलेगी। और इसके अलावा प्रोसेसर इसमें ऑक्टाकोर है P35 2.35 GHz इसकी ऑक्टाकोर स्पीड है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें एंड्रॉयड 9 Pie है, और एंड्रॉयड 9 Pie पर जो एक लेयर है वो iOS वर्जन की है, जो कि iOS 5.0 है। तो इसके अलावा इसके अंदर AI वीडियो कॉल आपको iOS की वजह से मिलता है, और स्मार्ट पैनल और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, और साथ में AI रीड मोड भी आपको मिलता है, AI बैटरी लैब आपको साथ में मिल जाता है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसमें आप खूब सारे गेम्स देख सकते हैं। इसमें डेंजर डैश है और एसफॉल्ट नाइट्रो है, आप ये दोनों गेम इसमें खेल सकते हैं। बाय द वे, ये गेमिंग के लिए कैसा रहेगा और इसका एक्सपीरियंस गेमिंग में कैसा रहेगा, ये आपको डिटेल में हम अपने रिव्यू में बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसमें एसफॉल्ट नाइट्रो गेम एक बार खेल के दिखा देता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। अब एक बार कैमरा की बात कर लेते हैं हम। बाय द वे, इसमें जो ट्रिपल रियर कैमरा है 16 MP, 2 MP और 8 MP, एक बार हम उससे फ़ोटो खींच के देख लेते हैं, और उसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या उसमें चीज़ें हमारे को फीचर्स उसमें मिल रहे हैं, ताकि हम एक बार चेक कर लें क्या वाकई इसमें वो सब चीज़ें हैं। इसमें वीडियो है, AI कैमरा है इसमें, और इसके अलावा ब्यूटी मोड है, जो इसको ये ब्यूटी मोड है, और AR शॉट है। बाय द वे, इसमें एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि इसमें जो AI कैमरा है वो आपको बहुत पास से अगर आप फ़ोटो खींचते हैं तब भी, आप जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कितनी पास से फ़ोटो खींच रहा हूँ, तो ये कितनी क्लियर फ़ोटो रहने वाली है। ये मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है ब्यूटी मोड के साथ, और ये मैं आपको साथ में दिखा भी दूँगा, और फिर आप हम चेक कर लेते हैं कि ये जो फ़ोटो है वो कितनी क्लियर आपको नज़र आती है। ये देखिए, ये इसके कैमरे की खासियत है कि आप करीब 3 cm पास से भी अगर फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो आपको बहुत क्लियर नज़र आती है। ये यही है इसके कैमरा की खासियत। इसके अलावा इसमें AR शॉट है और पैनोरामा है। हाँ, ये AR शॉट एक बार चेक कर लेते हैं अगर ये इस पर काम करता है तो। बाय द वे, ये तो कह रहा कि नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें एनिमोजी है, और ये एनिमोजी चेक कर लेंगे हम लोग, एनिमोजी किस तरीके से काम करता है। और इसके अलावा ये पैनोरामा है, पैनोरामा ओके गुड ग्रेट, और हम अभी फ़िलहाल पैनोरामा यूज़ नहीं करेंगे, AR शॉट्स हम इसमें लेके देख लेते हैं। ये इसके ऊपर मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा है, शायद इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या ये ह्यूमन बीइंग है या नहीं। कोई बात नहीं, हम एक बार सेल्फ़ी कैमरा भी देख लेते हैं कि सेल्फ़ी कैमरा में इसके अलावा कौन कौन से मोड जो हैं वो हमें मिलते हैं। सेल्फ़ी कैमरा में आपको वीडियो मिलता है फीचर, और AI कैम मिलता है उसके साथ, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, AR शॉट्स मिलता है। AR शॉट्स में आपको सेम आप एनिमोजी बना सकते हैं अपने, और एनिमोजी बनाने के बाद ये मुझे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये मुझे लग रहा है कि ये टोपी की प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, ओके तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये इसमें एनिमोजी जो है वो काम करता है, लेकिन ये काम तो कर रहा है, लेकिन बाय द वे वैसे उतना काम नहीं कर पा रहा है जितना मुझे लग रहा था कि करेगा, क्योंकि मैं इस वक्त बोल रहा हूँ लेकिन ये इसके होंठ नहीं हिल रहे हैं। तो मैं अगर कोई दूसरा इमोजी ट्राई करूँ तो मेरे मुंह खोलने पे इसका मुंह खोलता है, लेकिन मेरे बोलने पे ये नहीं बोल पाता है। बड़ा मुश्किल हो रहा है इसके लिए ये काम करना। कोई बात नहीं, इसमें एनिमोजी बाय द वे फिर भी अभी तक मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक होंगे। अब मैं एक बार ये चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि ये क्या है। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये नज़र आ रहा है आपको AR शॉट में, ये मुझे डिटेक्ट कर लिया इसने, और इसने मुझे पुलिस वाला बना दिया है। और बाय द वे, ये उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है जितना कि ये कई दूसरी ऐप्स में लगता है, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखने में लगता है 3D होगा, लेकिन ये 2D है, आप इसे एक बार चेक कर लें। तो ये रहा इसका रियर कैमरा, और जो इसका फ्रंट कैमरा है सेल्फ़ी कैमरा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है काफ़ी कुछ। बाकी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे रिव्यू का इंतज़ार करना पड़ेगा।
अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो बाय द वे इसमें फ्रंट से अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें एक डॉट नॉच है और इसका बेजल काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से आपको ये जो तीन नीचे बटन्स हैं ये भी आपको फिंगर इसमें डिस्प्ले में मिलते हैं, और आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी डिस्प्ले में मिल जाता है आपको। और अगर आप इससे बैक साइड से देखते हैं तो आप को ये पता चल जाता है कि इसका जो ग्लास बैक है वो वाकई इसकी फिनिश अच्छी है, इसमें ग्रेडियंट ज़बरदस्त है। ग्रेडियंट के बाद इसके ग्रेडियंट के साथ साथ इसमें कुछ हल्की लाइंस हैं जिसकी वजह से इसमें एक लुक अलग निकल कर सामने आती है। इसके बाद इसमें ये जो कर्व है ये आपको कर्व देखने को मिलेगा, ये भी सही है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बाय द वे फ़ोन के को गिरने से बचाने पर थोड़ा वो सेफ रहता है, उसकी वजह से उसके लिए ये बड़ा सही रहता है ये चीज़। और ये जो गोलाई है ये नॉर्मली जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं इस फ़ोन को बाय द वे अपने हाथ में रख के लेफ़्ट हैंड से यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसे राइट हैंड में यूज़ करता हूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका पावर बटन अपना सही जगह पर है, ये देखें। और इसका जो वॉल्यूम रॉकर है आप इसको एक हाथ से पकड़ कर यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे फ़ोन बहुत बड़ा है, 6.4 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है तो फ़ोन काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब मेरे हिसाब से मेरे जो हाथ हैं बड़े हैं तो उसके हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि मैं इसे अपने एक हाथ में पकड़ कर फ़ोन को यूज़ कर पा रहा हूँ। और अब इसके फ़ोन के नीचे मैं ध्यान से देखूंगा तो इसमें आपको स्पीकर ग्रिल मिल रही है और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल रहा है और 3.5 mm जैक भी आपको इसके साथ मिल रहा है यहाँ पर। अब देखने में मुझे इसका डिज़ाइन बाय द वे ऑनर जैसा लुक एंड फील दे रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि ये ऑनर के रियलमी के और शाओमी के कुछ फ़ोन्स को कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे फीचर्स इसके ऐसे हैं जो ऑनर के फ़ोन्स में या दूसरे फ़ोन्स में नहीं हैं, तो इसलिए ये फ़ोन जो है उन फ़ोन से अपने आप को अलग लाकर खड़ा करता है। तो अब इसके प्राइस का मैं आपको बता चुका हूँ, 14,999 रुपये इसका प्राइस है। अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो ये 17 जुलाई को पहली बार फ्लिपकार्ट पर फ़ोन उपलब्ध होगा, आप वहां पर जाकर इसे ख़रीद सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे कमेंट करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और मुझे एक बार बताएं ज़रूर कि आपको ये वीडियो, ये फ़ोन और इस फ़ोन के बारे में दी गई जो जानकारी है वो कितनी पसंद आई। सो थैंक यू एंड बाय।